नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आज मैं आपको बताने वाला हूँ प्ले स्टोर के कुछ टिप्स एंड ट्रिक। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि आपने प्ले स्टोर से कोई ऐप डाउनलोड किया, उसके बाद आपको पता चलता है कि ये ऐप तो आपके यूज की ही नहीं थी। तो आइए जानते हैं बिना ऐप डाउनलोड किए हुए आप कैसे उसको यूज कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा वो ऐप आपके लिए यूजफुल है या फिर नहीं। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना प्ले स्टोर खोल लेना होगा। प्ले स्टोर खोलने के बाद आपको यहाँ पे अपने प्रोफाइल पे चले जाना है। प्रोफाइल पे चले जाने के बाद आपको यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है, तो उस पर क्लिक कर देना है। सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको फर्स्ट नंबर पे जनरल का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक कर दें। जनरल के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको फोर्थ नंबर पे गूगल प्ले इंस्टेंट का ऑप्शन दिख रहा है, तो उस पर क्लिक कर दें और इसको ऑन कर दें। इसको ऑन कर देने के बाद आपको यहाँ पे अपने फ़ोन को रिस्टार्ट कर देना है। रिस्टार्ट करने के बाद आपको यहाँ फिर से अपना प्ले स्टोर खोल लेना है। प्ले स्टोर खोलने के बाद आप कोई गेम सर्च कीजिए, तो यहाँ पे आप साथ में देख पा रहे होंगे उसके साथ ट्राई नाउ का ऑप्शन आ रहा है, तो आप इससे बिना डाउनलोड किए हुए आप ये गेम खेल सकते हैं थोड़ी देर के लिए। फिर आपको अच्छा लगे या ना लगे उसके बाद आप डाउनलोड या अनइंस्टॉल इसको कर सकते हैं या फिर डाउनलोड ही नहीं कर सकते हैं। ये ट्रिक कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। पर ये दोस्तों जानते हैं दूसरा टिप क्या है। कई बार ऐसा होता है कि आजकल बहुत फेमस गेम चला हुआ है पबजी, उसमें लोग बहुत सारे पैसे लगा रहे हैं। अगर आपके बच्चे भी पैसे लगाते हैं या लगाने की कभी कोशिश करेंगे तो उनसे आप कैसे बचें, आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना प्ले स्टोर खोल लेना होगा। प्ले स्टोर खोलने के बाद आपको अपने प्रोफाइल पे आ जाना है। प्रोफाइल पे आ जाने के बाद आपको यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है, तो उस पर क्लिक कर दीजिए। सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको थर्ड नंबर पे ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन दिख रहा है, और ऑथेंटिकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हैं बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, तो इस ऑप्शन को ऑन कर दें। और यहाँ पे आप अपना पासवर्ड ना सकते ईमेल का, उसके बाद इसको ओके कर दें। अगर आपके बच्चे भी आप प्ले स्टोर से कोई गेम खरीदेंगे तो उसके बाद वहाँ पे पेमेंट करने से पहले वहाँ पे आपका बायोमेट्रिक फेस अनलॉक या फिर फिंगरप्रिंट ये सब मांगे, तभी वो उस गेम को खरीद पाएंगे, नहीं तो वो नहीं खरीद पाएंगे। दूसरा टिप कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और हमारे वीडियो को और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।